तो यूनिक इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का ये जो वीडियो है वो पार्ट टू का वीडियो है। अगर आप पार्ट वन का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप दे सकते हैं। बिना पार्ट वन को देखे हुए आप पार्ट टू को समझना चाहते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम पार्ट वन में बात किए थे क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन में हम लोग बात किए थे तो उसमें हम दो प्रकार के सिस्टम बात किए थे, एक नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम और एक मेरा क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम को हम दो ग्रुप में क्या किए थे, डिवाइड किए थे। एक ऐसा ग्रुप था जो क्या करता था, पावर को जो हम किसी सिस्टम से पावर को ले रहे हैं तो एक सेंट्रल सेंट्रल से क्या करता था, जो मेरा जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कि मेरा ये ट्रैक हो गया, ट्रैक में ये अब यहाँ से ये क्या कर रहा था, पावर को क्या कर रहा था, ले रहा था। अगर हम दूसरा सिस्टम को बात करें तो दूसरा सिस्टम जो था तो वो मेरा सेल्फ कंटेन सिस्टम था। कौन सिस्टम था, सेल्फ कंटेन। सेल्फ कंटेन सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वैसा है जो पावर अपने साथ लेके चलता है। जैसे कि मेरा हो गया स्टीम, स्टीम में क्या होता है कि जैसे कि अभी पिक्चर आप लोग ये देख रहे हैं ये स्टीम इंजन का ही है। तो ये स्टीम में क्या होता है कि स्टीम जो कोयला हो, वाटर हो, इसका नीड है तो, और बॉयलर हो, उसमें बॉयलर में दिए और ये सब साथ लेके चलेगा। इसके लिए कोई अलग से सप्लाई या फिर हम जो ये सप्लाई की बात कर रहे थे ये इसमें नहीं रहेगा, इसी हम बात करते हैं। तो अभी इसका हम डिस्कशन कर चुके थे पिछले वीडियो में। अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मेरा है जैसे कि डायरेक्ट स्टीम इंजन ड्राइव का हम पीछे वीडियो में डिस्कशन कर दिए थे। अभी जो मेरे पास इंजन आएगा वो आएगा डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव, डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव है। अब डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव को क्या करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन जो है इस सबसे ज़्यादा यूज रोड ट्रांसपोर्ट में होता है। रोड ट्रांसपोर्ट में इसका सबसे ज़्यादा यूज है। सबसे पहला बात, इसको टर्म को देखिए, ट्रैक्शन में अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक टर्म को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक एक टर्म को अगर आप ट्रैक्शन में समझ गए मैंने कि आपका ट्रैक्शन पूरा के पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन, डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव में जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट करने मतलब जो मेरा बस चलता है, ट्रक चलता है, फिर कार जो चलती है उसमें हम क्या कहते हैं डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन ड्राइव को क्या करते हैं। सबसे पहला बात तो हम ट्रैक्शन सिस्टम में ही देखे हुए थे, उसमें बताया हुआ था कि उसका हम परिभाषा आप लोग भी बताए थे कि ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल। अगर व्हीकल का मूवमेंट होता है तो दैट इज कॉल्ड मेरा ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ कार में जो चक्का का मूवमेंट होगा तो वो भी मेरा क्या है, ट्रैक्शन का ही हिस्सा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम नहीं है, ट्रैक्शन सिस्टम है लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम नहीं है। हम लोग जो डिप्लोमा जो स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो हम लोग ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम से पहले ट्रैक्शन सिस्टम ही क्या है उसको पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अगर हम चक्का को मूवमेंट कराएं तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, बस सिंपल। ये नहीं है कि अब ट्रैक्शन सिस्टम होगा तो हम सिर्फ रेल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रेल के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रेल का ज़्यादा यूज है, जैसे कि हम ट्राम कार हो गया, जो बसेस चलती है, ट्रॉली बसेस हो गया, वो तो रेल का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसको क्या करते, डिस्कशन करते हैं। ये बात दिमाग में रखना है कि ट्रैक्शन सिस्टम ये नहीं कि रेल नहीं, तो ट्रैक्शन सिस्टम नहीं कि अगर हम चक्का को घुमा दिए तो यही मेरा ट्रैक्शन सिस्टम है। मूवमेंट ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। अब मेरा कार जो चलेगा वो आप देखिए, डायरेक्ट इंटरनल कंबसन ड्राइव में क्या होता है, ये इंटरनल कंबसन होगा, मैंने इंटरनल क्या होता है इसका कंबसन, दहन, और दहन से जो ऊष्मा निकलेगा और वही ऊष्मा से मेरा क्या करेगा, व्हीकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसका एफिशिएंसी की बात करें तो इसका एफिशिएंसी जो होता है वो 25% इसका एफिशिएंसी होता है। और मेरा जो डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन है वो सेल्फ कंटेंट होता है। सेल्फ कंटेंट कहने का मतलब अगर वो सेल्फ कंटेंट है तो इसको कहीं भी, इट इज नॉट टाइड एनी रूट, इसको किसी भी रूट पर आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक सिस्टम को मूवमेंट कराने के लिए आपको ओवरहेड स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपको ओवरहेड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो कैसे मूवमेंट करवाइएगा। लेकिन डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन के लिए ये ओवरहेड नहीं भी रहेगा जिस रूट में, वहाँ भी इसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। इसका क्या है, इसका सबसे ज़्यादा इसका क्या एडवांटेज है मेरे पास डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन का। अभी इसका जो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि इसमें लो कहने का मतलब क्या है, इसमें व्हीकल और गैरेज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा मोस्ट ज़्यादा
है वो व्हीकल और इसका क्या है गैरेज ही है, और इसका कॉस्ट क्या होता है बहुत कम होता है। अगर हम इसका स्पीड कंट्रोल को बात करें तो इसका स्पीड कंट्रोल बहुत ही सिंपल होता है, यानी कि वेरी सिंपल, स्पीड कंट्रोल इज वेरी सिंपल। और ये सस्ता ड्राइव होता है, इट इज़ चीप ड्राइव फॉर आउटर सबअर्ब्स एंड कटरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये बहुत सस्ता ड्राइव है, इसका हम उपयोग करते हैं कभी कभी, तो उसका बहुत ही सस्ता ही है क्योंकि इंटरनल कंबसन ड्राइव है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा जितना ज़्यादा महंगा मेरा स्टीम है, क्योंकि स्टीम के लिए हमको कोयला की जरूरत पड़ता है, वाटर की जरूरत पड़ती है, फिर बॉयलर चाहिए और हाई टेम्परेचर में उसको चाहिए, उतना जगह हमको चाहिए बॉयलर को इंस्टॉल करने के लिए। अगर हम इसका डिसएडवांटेज को बात करें तो देखिए, सबसे पहला बात इसका ओवरलोड कैपेसिटी। ओवरलोड कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें लोड का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें 10% जैसे ही हम ओवरलोड करेंगे, 10% जैसे ही हम ओवरलोड करते हैं तो ये इंजन होता है स्टॉलिंग आ जाता है। स्टॉलिंग करने का मतलब क्या है, तो ये मैंने स्टॉलिंग करने मतलब ये रुकने लगता है, यानी कि फंस जाता है, ये चलना बंद कर देता है थोड़ा सा, यहाँ स्टॉलिंग का प्रॉब्लम आता है। इसका क्या है डिसएडवांटेज है ऐसा। और अगर हम दूसरा इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जैसे कि अगर हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, मतलब कि हाई स्पीड के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहला बात इसमें गियर को इम्प्लॉयमेंट ज़रूरी होता है, इसमें गियर चाहिए तभी ये हो पाएगा। अगर हम इसमें स्पीड कंट्रोल की बात करें तो स्पीड कंट्रोल तभी पॉसिबल होगा जब इसमें क्या कि गियर बॉक्स को क्या करेंगे हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तभी मेरा स्पीड कंट्रोल अच्छा से पॉसिबल है, इसको बात में भी ध्यान रखना है। और जो होता है कि ये हेवी रेलवे वर्क के लिए सुटेबल है, जहाँ ज़्यादा हेवी हो रेलवे वर्क काम जहाँ ज़्यादा हो, यहाँ डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन क्या है सुटेबल ही नहीं रहता है। अगर उसी प्रकार इसमें जो इक्विपमेंट लगा रहता है, अगर हम उसका इक्विपमेंट को बात करें तो इक्विपमेंट इसका जो होता है सब बहुत क्या रहता है, उसका जो इक्विपमेंट का लाइफ जो रहता है वो शॉर्टर रहता है, बहुत कम लाइफ रहता है। इसका हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर हम ट्राम कार में जो मेरा इक्विपमेंट लगता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, या फिर ट्रॉली बस में जो मेरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है, और उसके तुलना में मेरा डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन का इक्विपमेंट जो रहता है उसका जो लाइफ रहता है वो बहुत ही कम रहता है। अगर इसमें मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट की बात करें तो हाई होगा। आप देखिए मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट हाई क्यों नहीं होगा, अब जो हम इंटरनल कंबशन इंजन को हमको करना है मेंटेनेंस, अब उसके अंदर का जो भी इतना भी पार्ट रहेगा उसको हमें मेरे पास मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसके बाद रनिंग करेगा तो इसके अंदर में खराबी आएगा, और उसको जब हमको उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो इसको हटा के खोल के उसके बाद पूरा सिस्टम को हमको रिप्लेस करके उसके बाद हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका कॉस्ट क्या हो जाता है हाई हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो होता है फ्यूल का बहुत ही स्कार्सिटी है, फ्यूल के स्कार्सिटी की वजह से होता है कि फ्यूल का ट्रांसमिशन अगर बढ़िया से नहीं होता है तो इसलिए इंडिया के लिए क्या है ये इकोनॉमी भी है, डायरेक्ट इंटरनल जल्दी इंडिया में यूज नहीं होता है क्योंकि ये मेरे पास क्या है अच्छा इकोनॉमी नहीं है, मैंने कि महंगा हो जाता है मेरे पास ये। और इसमें ऑयल इंजन के कारण होता है कि इसमें पैसेंजर भी बहुत कम बैठता है, ऑयल इंजन कारण पैसेंजर इसमें क्या होता है कम बैठता है। अगर हम उसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में ज़्यादा पैसेंजर रहता है, सबसे ज़्यादा पैसेंजर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, किसमें डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन में स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता। स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होने का कारण क्या है क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या होता है कि एक हम कंप्रेस्ड एयर या फिर इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं कंप्रेस्ड एयर के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको क्या करते हैं हम स्टार्टिंग टॉर्क क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर या फिर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या करते हैं हम इसको स्टार्टिंग टॉर्क क्या करते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। स्टीम इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक ड्राइव है, दिमाग में बस ये बात रखना है, इसमें स्टीम जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक में क्या होगा कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या करेगा काम करेगा। अब इस स्टीम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट रहेगा तो इसके लिए मेरे पास क्या रहता है एक टर्बाइन रहता है, ये टर्बाइन जो है इस पर आप क्या करेगा स्टीम चलेगा पड़ेगा, ये घूमेगा और इससे कनेक्टेड रहेगा मेरा क्या डीसी जनरेटर, और उसके बाद डीसी जनरेटर मेरा घूमेगा तो बिजली उत्पन्न करेगा, और जब बिजली उत्पन्न करेगा तो मेरा व्हीकल को नचाएगा और मेरा सिस्टम ये बन गया। लेकिन इस सिस्टम का एक ही डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें मैकेनिकल डिफ़िकल्टी और कॉम्प्लिकेशन के कारण इसका यूज क्या होता है बहुत कम होता है, इसका एक ही डिसएडवांटेज यही है। डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन में हम लोग देखते थे कि कंबसन इंजन यहाँ भी है, जो कंबसन इंजन का बात कर रहे थे तो कंबसन इंजन मेरे पास यहाँ भी है, ठीक है,
लेकिन डायरेक्ट कम्बसन इंजन में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इंटरनल कम्बसन इंजन में अंदर का जो कम्बसन होता था उससे हम व्हीकल को मूवमेंट कराते थे, लेकिन इंटरनल कम्बसन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होगा, अंदर का कम्बसन होगा, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक डेवलप करवाएंगे। इलेक्ट्रिक डेवलप कराने के बाद उसको क्या करवाएंगे, हम व्हीकल को मूवमेंट करवाएंगे, तब मेरे पास आएगा इंटरनल कम्बसन इंजन ड्राइव। इसके लिए ड्राइव के रूप में हम डीजल इंजन का उपयोग करते हैं, जैसे डीसी जनरेटर हो गए, डीसी जनरेटर कपल लेगा डीजल इंजन, उसको फिर डीसी जनरेटर आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा, उसके बाद व्हीकल मेरा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर हम इसका एडवांटेज की बात करें तो जिस प्रकार से मेरा स्टीम था, ठीक था, जिस प्रकार से मेरा स्टीम था उसी प्रकार से इसमें भी ट्रैक रहता है। स्टीम और डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रैक के लिए कोई नया ट्रैक नहीं बनाना, उसी ट्रैक पर दोनों काम कर सकता है। अगर हम मेरा बात किया जाए इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, तो इसका लो होता है, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का इसका कारण भी यह है कि इसमें ओवर हेड स्ट्रक्चर का उपयोग नहीं होता है। ओवर हेड स्ट्रक्चर का उपयोग नहीं होने के कारण इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या है, कम है। अगर हम इसमें बात करें डीजल में, डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है, डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव में इसमें ज़्यादा पैसेंजर है, मोर पैसेंजर है। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है, कभी हम डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, इसको दिमाग नहीं रखना है। अभी जो देखिए डायरेक्ट इंटरनल डीजल इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको बोल रहे हैं, तो डीजल इसमें देते हैं किसमें, कंबसन यानी कि दहन करने के लिए जो फ्यूल का आवश्यकता है वो डीजल दे रहे हैं यहाँ, इसलिए हम उसको डीजल बोले। इंजन और ड्राइव, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक, और डीजल इंजन जो हम फ्यूल दिए इंटरनल कंबसन हुआ वो मेरा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ, इसलिए इसको हम बोले डीजल इंजन इलेक्ट्रिक, उसके बाद जाकर मूवमेंट करवाएगा। तो ड्राइव टर्म को समझे, धीरे धीरे डीजल इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो डीजल इंजन को उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो गया तो उसका उपयोग करेंगे व्हीकल को मूवमेंट करने के लिए, दैट इज ड्राइव, हो गया। अब देखिए इसमें जो मेरा पावर लॉस आता है, पावर लॉस स्पीड कंट्रोल के लिए बहुत कम रहता है। इसका कारण क्या होता है कि मेरा जो कंट्रोल करते हैं स्पीड का कंट्रोल जो करते हैं वो मेरा जनरेटर से ही बहुत अधिकतर तक कर लेते हैं, इसलिए इसमें जो स्पीड कंट्रोल के लिए जो पावर लॉस आएगा वो बहुत ही कम आता है। इसमें बात करें तो लोकोमोटिव एंड ट्रेन इज सेल्फ कंटेंड यूनिट, ये भी सेल्फ कंटेंड है क्योंकि अपना डीजल देंगे फ्यूल के रूप में, उसके बाद मूवमेंट होगा, तो सेल्फ कंटेंट है, तो सेल्फ कंटेंट है तो आराम से कहीं भी कोई भी रूट में इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ जो रूट में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वहाँ भी मूवमेंट कर सकता है, जो रूट में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है वहाँ भी मूवमेंट कर सकता है, इसलिए कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए ये नेसेसरी है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए। अब इसका मेंटेनेंस का बात किया जाए तो 5 से 10% ही वर्किंग डे रहता है, 5 से 10% ऑफ इट्स वर्किंग डे, इसका वर्किंग डे का 5 से 10% रहता है इसका मेंटेनेंस में जाता है। देखिए हॉलिंग, सबसे पहला बात हॉलिंग जो टर्म समझते हैं उसको समझना है। हॉलिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लगातार भारी, किसी भारी चीज़ है, भारी चीज़ को हमको खींचना, वो मेरा हॉलिंग कहलाता है। तो 5 से 10% अगर वर्किंग डे अगर इसके पास 100 दिन का है तो 5 या 10 दिन इसमें मेंटेनेंस लगेगा, ठीक है, सीमा दिमाग रखना है। वर्किंग डे अगर इसके पास 100 दिन का है तो 5 या 10 दिन इसमें जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मेंटेनेंस कुछ कुछ ज़रूरत पड़ेगा 5 दिन का। उसके प्रकार अगर हम किसी चीज़ को ले कर जा रहे हैं यानी कि बहुत लोडेड है, लोडेड ही हम वर्क करा रहे हैं हमेशा 24 घंटा के लिए हमेशा, तो इसके 6 पूर्णांक एक मैंने साढ़े छः यानी कि एक वीक में 24 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, इसका मेंटेनेंस जो रहेगा वीक समझ रहे हैं ना कि एक सप्ताह जैसे 7 दिन का होता है, 7 दिन में साढ़े 6 दिन ही अपना काम करेगा, आधा दिन इसके लिए चाहिए इसका क्या मेंटेनेंस करने, ये बात दिमाग रखना है। अगर इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज, इसका ओवरलोड कैपेसिटी क्या होता है, इसका लिमिटेड होता है, इसका ज़्यादा ओवरलोड कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे कि उसमें हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट इंटरनल कंबसन इंजन में 10% ओवरलोड के बाद क्या होता है, ये स्टॉलिंग हो जाता है, उसी प्रकार ये भी है, इसका ओवरलोड कैपेसिटी बहुत कम है।
और इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी यूज नहीं होता है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग नहीं यूज होता है इसमें। इसका लाइफ भी शॉर्टर होता है, लाइफ भी बहुत कम होता है। और जो डीजल इंजन का ना जो मेरा हीट आता है उसके लिए इसको स्पेशल कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है। रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका हाई है। और डेड वेट, डेड वेट को समझना है। डेड वेट मतलब पूरा भार, पूरा भार समझ रहे हैं, जितना लोकोमेटिव लगा हुआ है सब का भार मिला के डेड वेट। तो इसका डेड वेट ज़्यादा होता है किसका, स्टीम का, क्योंकि स्टीम में 6 गो, स्टीम में 6 एक्सल की ज़रूरत होता है, 6 एक्सल, और इलेक्ट्रिक में 4 एक्सल। जब 6 एक्सल जिसमें रहेगा स्वाभाविक बात है कि उसका डेड वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें किसका उपयोग हो रहा है, ऑयल का उपयोग हो रहा है। जैसे ही ऑयल का उपयोग होगा तो इसका एक्सपेंसिव भी होगा, ये बात तो समझ ही रहे हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। पीछे हम लोग देख रहे थे कि डीजल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा रहे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कराएंगे, फिर इलेक्ट्रिक से हम ट्रैक्शन चलवाएंगे। और ऐसा अगर हम करें तो उसका उपयोग मेरा हैवी लोरीज एंड बसेस में होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक का कन्वर्जन होता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का कन्वर्जन ही होता है, तो उसमें जैसे कि इसका जो स्पीड पकड़ेगा, पेट्रोल इलेक्ट्रिक ड्राइव, पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव भी बोल सकते हैं इसको, तो इसमें जो स्पीड पकड़ेगा वो धीरे धीरे, यानी कि पहले मूविंग स्लोली करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, उसके बाद धीरे 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 मूव करके एक बार क्या करेगा, क्रीप करेगा, उसके बाद लेकिन हाँ, जब ये धीरे धीरे मूवमेंट करेगा तो इसमें किसी प्रकार का झनझनाहट, किसी भी प्रकार का थ्रॉटिंग नहीं आएगा, और ये धीरे धीरे अपना मूवमेंट क्या करेगा, अचीव कर लेगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव का। बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि इसके लिए भी तो हम यूज करेंगे किसका, डीसी मोटर का। अब डीसी मोटर को सप्लाई देगा कौन, तो बैटरी देगा। अब ये डीसी मोटर तो अब मोटर है तो घूमेगा, तो इसके द्वारा घूमेगा कौन, चक्का। सिंपल है, यही मेरा है बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव। डीसी मोटर को सप्लाई कौन देगा, बैटरी। फिर डीसी मोटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी देगा, मैकेनिकल एनर्जी चक्का घूम गया। ये जो होता है मेरा इजी एंड इजी कंट्रोल होता है, इसका इजी कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी इसका कम होता है, मेंटेनेंस कम इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई फ्यूम का आवश्यकता नहीं होता, कोई फ्यूम नहीं है, कोई ईंधन नहीं है, कोई ईंधन नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। और इसका देखिए, इसका लिमिटेशन कहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि इसके लिए हमको बैटरी को बार बार चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी को बार बार चार्ज करने के लिए इसका रेंज को क्या करें, लिमिट कर दिया जाता है। दो चीज़ आता है इसमें, एक चीज़ आता है कि बैटरी के दो कनेक्शन करते हैं, एक हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, एक कनेक्शन हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो फुल मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाता है, फुल मैक्सिमम स्पीड। लेकिन जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता, हाफ होता, हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। सीरीज और पैरेलल दोनों का कम्बिनेशन करके, दोनों कम्बिनेशन को साथ करके हम उसको फुल मैक्सिमम स्पीड चला देते हैं, और मैक्सिमम से आधा चला देते हैं, और बीचों में चला देते हैं। तो इसका जिसमें आता है दोनों बैटरी, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग बैटरी का नीड होता है, ज़रूरत पड़ता है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक ड्राइव पर, जो हम लोग उतना देर से बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक ड्राइव पर, अब हम बात आते हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए सबसे पहला तो आ ही गया वो चीज़ जो हम लोग बात कर रहे थे, किसका, वायर का। सेंट्रल पावर स्टेशन या सब स्टेशन समझ रहे हैं आप लोग ना, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ये मेरा ट्रैक है, तो ट्रैक के सेंट्रल पावर्स हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। कभी कभी क्या करता है, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा सब स्टेशन लगाते हैं, वहाँ से खींच लेते हैं। तो दो प्रकार से यहाँ पर गए, एक सेंट्रल से हम ले लेंगे सेंट्रल पावर स्टेशन, या फिर हम सब स्टेशन उसके लिए बिठाएंगे। इसमें यह दो चीज़ आ गया, दो चीज़ हम करते हैं। अब इसका एडवांटेज की बात करें तो सिंपल आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक आया ठीक है तो वो सबसे ज़्यादा मेरा पास क्या होगा, क्लीनिंग होगा। इलेक्ट्रिक का बात आया नहीं कि वो मेरा क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्लीनिंग आ जाएगा, क्लीनिस्ट। और जो है आप देखिए, अंडरग्राउंड के लिए भी ये सूटेबल है, अंडरग्राउंड के लिए सूटेबल इसलिए है, अंडरग्राउंड में हम उसमें बात कर रहे थे कि स्टीम, स्टीम के लिए हम बात किए थे, उसमें बोले होंगे कि अंडरग्राउंड के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं सूटेबल था, क्योंकि अंडरग्राउंड फिर वो जो धुआं छोड़ेगा फिर अंदर में रहेगा ना धुआं, और धुआं जो अंदर में रहेगा तो उससे क्या बता, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम खड़ा करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक में तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, इसलिए ये अंडरग्राउंड के लिए भी उपयोग में आता है।
इसमें देखिए नो वाटर एंड कूली डिपोट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें ठंडा करने के लिए कोई अलग से इक्विपमेंट नहीं चाहिए। एसटी में जिस प्रकार से हमको वाटर चाहिए वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप देखिए एक टर्म यहाँ, देर इज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग रोजनबर्ग जनरेटर। रोजनबर्ग जनरेटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। रोजनबर्ग जनरेटर जो है एक ऐसा जनरेटर है, उसमें डीसी संट का यूज होता है, सबसे पहला बात डीसी संट का, और उसका यूज हम लाइटनिंग पर्पज से करते हैं। रोजनबर्ग जनरेटर का यूज हम लाइटनिंग पर्पज से करते हैं आगे। और रोजनबर्ग जनरेटर सेम टू सेम उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से मेरा मेटाडाइन जनरेटर आता है, सेम टू सेम उसका कंस्ट्रक्शन होता है, डीसी संट की तरह थोड़ा सा रहता है। इसका हम लोग बात आगे करेंगे। अब देखिए इसमें रैपिड एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग रिटार्डेशन, जल्दी एक्सेलेरेट और जल्दी ब्रेक दोनों काम हो जाएगा। आप देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, अगर एक एक्सेलरेशन का बात करें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक्सेलरेशन का, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड अर्बन सर्विस के लिए। ट्रॉली बस एक्सेलरेशन का बात करें तो 4 से 6 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इसमें बात करें स्टीम लोकोमोटिव में तो 0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, मैंने एक सेकेंड में एक पर आवर पर सेकेंड, ये मेरा क्या आता है, इसका क्या आता है एक्सेलरेशन का बात करें। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें पैसेंजर जो रहेगा वो लार्ज पैसेंजर रहे, लार्जर पैसेंजर, और इसका वर्किंग डे जो रहेगा वो 95%। सबका वर्किंग डे बहुत कम रहता था लेकिन इसका वर्किंग डे 95% इसका वर्किंग डे। और इसको मतलब जो सर्विस में हम इसको उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक को, हम तुरंत सर्विस में लगा सकते हैं, लेकिन हम स्टीम के लिए देख रहे थे मैक्सिमम इसमें 2 आवर चाहिए स्टीम को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए, उसके बाद हम वर्क में लगाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक में हम इमीडिएटली इसको क्या करते हैं सर्विस में क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। और इसमें एब्सेंस ऑफ अनवांटेड गैस, कोई प्रकार की इसमें गैस भी, एब्सेंस ऑफ अनवांटेड गैस एंड फायर हजार्ड्स, कोई फायर हजार्ड्स नहीं रहता है ना कुछ इसमें गैस है, और सस्ता भी है जहाँ हाई ट्रैफिक डेंसिटी है वहाँ। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है इसका लोअर देन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव। देखिए बात यहाँ आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जैसे कि कोई मेरा सपोज कि मेरा ट्रेन है, मेरा ट्रेन है, ठीक है। अब ये मेरा ट्रेन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा ट्रैक है और ये ट्रैक पर मेरा चक्का है ट्रेन का, और इस पर क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। तो मूवमेंट कर रहा है तो इसका जो वेट रहेगा, ये पूरे ट्रेन का वेट, ये चक्का और ये चक्का, ये चक्का पर जितना पड़ेगा वही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं चक्का जो चक्का, ये दोनों चक्का जितना इसको बैलेंस करता है ट्रेन को वही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहलाता है। अब देखिए स्टीम से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड्स भी करेगा मूवमेंट, क्योंकि ये ज़्यादा वजन नहीं दे रहा है चक्का और इसके ट्रैक के बीच, तो मूवमेंट थोड़ा स्पीड्स होगा। अब हम सिंपल सोचिए किसी का क्षमता है खींचने का 10 kg बोरा को, अब उसको 20 kg बोरा देगा तो थोड़ा धीरे धीरे खींचाएगा, वही बात आ जाता है, इसका स्पीड भी थोड़ा क्या होता है अच्छा होता है। और इसमें जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क एकदम कंटिन्यूस लगते रहता है, इसलिए इसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम होता है, लेकिन एसटी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। और इसमें देखिए 2 पावर कार का एसटीम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, एसटीम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम एक अपना पावर कार से ही कंट्रोल भी करता था, लेकिन इलेक्ट्रिक में 2 पावर कार रहता है, एक कंट्रोल करता है और एक अपना बाद रखा रहता है, या फिर उसका यूज हम दूसरे तरीक़ा से करते हैं। और इसमें जो होता है एडहेसन का जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो होता है बेटर एडहेसन होता है। बेटर एडहेसन कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो एडहेसन था वो 0.3 से कितना 0.4 था, 0.2 था एसटीम, ठीक है। तो पावर रिक्वायरमेंट भी इसके लिए चाहिए, पावर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, तो 50 kW पर ट्रैक किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए 50 kW पावर की ज़रूरत पड़ता है इसमें। और एक देखिए एक यहाँ पर समझने वाला चीज़ क्या है कि ट्रैक्शन लोड हैज हाई लोड फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 60 से 70%। मैंने इसका जो लोड फैक्टर यहाँ पर आएगा हाई लोड फैक्टर होता है, हाई लोड फैक्टर कितना, तो 60 से 70% इसका क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मेरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाइयर एक्सपेंडिजियर, मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला है, हाइयर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला ही है, वही बात करता है हाइयर एक्सपेंडिजियर, ज़्यादा खर्चीला थोड़ा सा है। और इसमें देखिए ओवरहेड कंडक्टर का उपयोग होता है, तो ओवरहेड कंडक्टर कारण मेरा लीकेज करंट आता है, लीकेज करंट आएगा ना, और मेरा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ट्रैक में वो सब भी आता है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका हो जाता है।
अब जहाँ पर ये पावर सप्लाई फेलुअर कर गया वहाँ इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन क्या होता था, जब हम स्टीम यूज करते थे तो स्टीम में क्या होता, जैसे कि मेरा कभी कोई कोई बोगी मेरा एसी बोगी रहता था, तो एसी बोगी के लिए क्या करता था, हमको ठंडी के दिन उसको गर्मी चाहिए, तो जब हम स्टीम लोकोमोटिव यूज करते थे तो गर्मी हमें स्टीम से ही दे देते थे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज करेंगे तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, जो हम लगाएंगे एसी वगैरह उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जरूरत पड़ जाएगा। अब देखिए ये मेरा जो है, अब ये जो मेरा है वो ओवरहेड से चलता है, तो जहाँ ओवरहेड है वहीं तो चलेगा ये, तो इसलिए इसको बोला था इट इज़ टाइड टू ओनली इलेक्ट्रिक फायर रूट, इलेक्ट्रिक फायर रूट में ही चलेगा और नहीं चलेगा। हम लोग ये बात इंटरफेरेंस के बाद हम पहले वीडियो में भी कर चुके थे, जब इंटरफेरेंस के बाद हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि एक इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो होता है कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस आता है, इंटरफेरेंस इंटर करता है फेरेंस यानी कि कम्युनिकेशन लाइन में इंटर करता है करंट का कुछ पार्ट, जिसके कारण कम्युनिकेशन लाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, और इसमें जो होता है रीजनरेशन नहीं होता, रीजनरेशन नहीं होने के कारण क्या होता है कि इसमें डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं, जब डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे तो डीसी जनरेटर जो रहेगा वो मेरा रीजनरेट नहीं करता है, रीजनरेट कैसे करेगा, रीजनरेटिंग तो डीसी संट होगी, डीसी सीरीज में तो सिंपल भाई सीरीज का ऐसा रहता है, ऐसे रहेगा, ये मेरा सीरीज रहता है ऐसा, लेकिन संट में तो अब इस तरह से रहता है, अब ये इसको बैक करेगा इसको, लेकिन सीरीज में कैसे बैक करेगा, सीरीज में बैक करेंगे कोई नीड ही नहीं बनता, इसलिए इसमें रीजनरेशन नहीं होता है। अभी हम लास्ट में सबका एफिशिएंसी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हम लोग अगर बात करें तो अभी इसका स्टीम लोकोमोटिव तो इसका एफिशिएंसी 6-8%, गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक, गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक मतलब क्या, टरबाइन नचेगा किससे, गैस से 10%, डायरेक्ट स्टीम से 6-8, गैस से टरबाइन नचाए उसके इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किए 10, डीजल से इलेक्ट्रिक बनाए 25-30, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाएं थर्मल पावर प्लांट्स द्वारा हम इलेक्ट्रिक परमिट किए तो अबाउट 75%, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विथ हाइड्रो पावर प्लांट अबाउट 40%। थैंक यू गैज, बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, जैसे मेरा सिस्टम जो भी हम लोग बात कर लिए थे, तो हम दो बात किए थे ना, इलेक्ट्रिक सिस्टम और नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम, उसके बाद हम बात किए थे इलेक्ट्रिक सिस्टम में दो प्रकार से हम सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं, जो हम एक डीसी रहता है एक मेरा एसी रहता है, आगे बात करेंगे डीसी रहेगा फिर एसी रहेगा, जब हम डीसी बात करते हैं उसके लिए मेरा ट्रॉली बस हो गया, ट्राम वे हो गया, या फिर रेलवे बेज हो गया, रेलवे बेज भी डीसी पर चलता है कभी कभी, पहले चलता था अब तो नहीं चलता है, और फिर जब एसी की बात करेंगे तो मेरा रेल का जितना भी काम होता है वो तो मेरा एसी पर चल रहा है, उसके बाद अगर हम फिर सेल्फ कंटेन की बात करें तो डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया, पेट्रोल हो गया, बैटरी हो गया, ये सब तो अभी बात किए ही है, तो लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का ज़्यादा उपयोग है, इसलिए हम डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम पर फिर से ज़्यादा जोर देंगे, अभी तो सिर्फ उसका पार्ट था थोड़ा सा ना, उसमें डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्राम वे क्या होता है, ट्रॉली बसेस कैसे मूवमेंट करता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।